नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की टाइपिंग डिक्टेशन की स्पीड है 30 शब्द प्रति मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया, मैं, रहने वाले, हर, सात, लोगों में, एक, भारतीय है, लेकिन यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार आज भी दुनिया की हर तीसरी बाल विवाह की शिकार महिला भी भारत से है, वो भी तब जब देश में पिछले 92 सालों से बाल विवाह निषेध कानून लागू है, जिसे तमाम विरोधों के बावजूद अंग्रेजी हुकूमत ने 1929 में लागू किया था। अंग्रेजों ने 1921 की जनगणना मैं पाया कि इस कुप्रथा से प्रसव के दौरान भारत में जितनी महिलाएं व बच्चे मरते हैं, उतने प्रथम विश्व युद्ध में भी नहीं मरे थे। वैज्ञानिक तथ्य है कि कम उम्र में शादी के बाद प्रजनन के लिए बाल वधुओं के अंग विकसित नहीं होते, लिहाजा या तो प्रसव के दौरान जच्चा या बच्चा मर जाते हैं, या बच्चा शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर पैदा होता है। नतीजतन, देश एक कमजोर राष्ट्र बनता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत माता की
जय, वा देश प्रेम के तमाम प्रतीकों के नारे कहीं भी सुनने को मिल जाएंगे। ऐसा लगता है कि देशभक्ति का एक नया जज्बा हिलोरें ले रहा है, लेकिन क्या हमारी सोच भी देश को आगे बढ़ाने वाली बनी है? COVID-19 बाल विवाह रोकने के प्रयासों के खिलाफ एक नया अवरोध शीर्षक इस रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह की स्थिति कोरोना काल में और बदतर हुई है और भारत भी नाइजीरिया, इथोपिया, ब्राजील और बांग्लादेश के समकक्ष खड़ा है। देश प्रेम की पहली शर्त है देशवासी वैज्ञानिक सोच विकसित करें, कुप्रथाएं खत्म करें और व्यक्तिगत रूप से भ्रष्ट ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार सूचकांक में भी दुनिया के 180 देशों में भारत 2019 के मुकाबले 6 खाने फिसलकर 86वें स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, इस पैमाने पर भारत विश्व और एशिया के औसत से भी नीचे मिला, यानी कई एशियाई देश भारत से ज्यादा ईमानदार हैं। क्या जरूरी नहीं कि देश प्रेम के पाठ में व्यक्तिगत ईमानदारी, कुप्रथा समाप्ति और वैज्ञानिक सोच भी शामिल हो? रिश्तों का
रखे मान, टूटने से बचाएं परिवार। स्टॉप। दोस्तों इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।